हे गाइस, वेलकम टू क्रिएटिव आर्ट। ये है Adobe Illustrator का ट्यूटोरियल और आज के ट्यूटोरियल में हम बहुत ही मज़ेदार सा इफेक्ट देखेंगे, स्क्रिबल। तो स्क्रिबल को किस तरह से और कैसे यूज़ में लिया जाएगा, आज के वीडियो में हम सारी चीज़ों को देखेंगे। नमस्कार, मैं हूँ सुमित और आप देख रहे हैं क्रिएटिव आर्ट। ऑलराइट, वेलकम बैक अगेन। आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं स्क्रिबल इफेक्ट कहाँ मिलेगा वो मैं आपको दिखा दूँ। उसके लिए हम जाएंगे इफेक्ट में और स्टाइलिस, और यहाँ पे सबसे नीचे आपको मिलेगा स्क्रिबल, राइट। सो इसको समझाने के लिए एक शेप मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। इस तरह से मैंने एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया। स्ट्रोक को पहले मैं ख़त्म कर दूँ सेलेक्ट करके, और फील मैं चेंज कर रहा हूँ, कोई दूसरा मैं कलर ले रहा हूँ ताकि समझ में आपको, राइट। ऑलराइट, तो सेलेक्ट रखेंगे, इफेक्ट में जाएंगे, स्टाइलिस, और यहाँ से ले लेंगे स्क्रिबल। ऑलराइट, तो ये है स्क्रिबल ऑप्शन का पैनल, राइट। सो ये है स्क्रिबल इफेक्ट, और ऊपर सेटिंग में मिलता है डिफ़ॉल्ट, साथ में आपको कई सारे इफेक्ट अलग से मिलते हैं इसी के ही स्क्रिबल के। तो चाइल्ड लाइक में आपको कुछ इस तरह से मिलेंगे, और आपको मिलेंगे लूज में ऐसे, मोर में ऐसे, ठीक है, और शार्प में ऐसे, स्केच में ऐसे, ठीक है, ये आप खुद भी देख सकती हो, स्वॉश में ऐसे, कुछ इस तरह से। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि इसको डिफ़ॉल्ट में ही रखता हूँ, बाकी आपको ऑप्शन इनकी समझा दूँ। ये है एंगल, आप इसके एंगल को बदल सकते हो, ठीक है। अब ये 30 डिग्री पे है, आप चाहो तो इसको भी रोटरेट करा के इसके एंगल को बदल सकते हो, कुछ इस तरह से, या फिर कुछ इस तरह से, या यहाँ पे टाइप भी कर सकती हूँ। मैं 45 डिग्री पे कर रहा हूँ, और कुछ इस तरह से, ठीक है जी। ऑलराइट, तो नीचे थोड़ा सा आ जाए, और यहाँ पे आपको मिलता है पाथ ओवरलैप। तो पाथ ओवरलैप को समझाने के लिए मैं एक्चुअली कैंसिल कर रहा हूँ, इसको थोड़ा जूम करूँगा तब आपको समझ में आएगा। मैं इसको जूम कर रहा हूँ, वापस जाएंगे इफेक्ट एंड स्टाइलिस और स्क्रिबल, कुछ इस तरह से। देखते हैं हम पाथ ओवरलैप को। तो पाथ ओवरलैप को अगर राइट की तरफ स्लाइडर को ले जाएंगे तो ये क्या करेगा, आपके पाथ के बाहर निकल जाएगा। देखिए, ये आपका पाथ है और ये आपके पाथ के बाहर निकल रहा है। अब चाहो तो ऐसे भी इफ़ेक्ट दे सकते हो, या फिर पाथ के अंदर भी ले सकते हो। अंदर कितना लेना है वो आप डिसाइड कर सकते हो, ठीक है जी। ऑलराइट, कुछ इस तरह से। थोड़ा सा और नीचे आ जाए तो वेरिएशन में आप इसको आगे पीछे करके देख सकते हो, ठीक है। ये एजेस में आप इसके फोकस कीजिए। देखिए, अभी मैं इसको 0 पिक्सल में कर रहा हूँ तो ये बिल्कुल इक्वल एक बराबर आ रहे हैं, लेकिन अगर थोड़ा सा वेरिएशन को बढ़ाता हूँ तो ये कुछ इस तरह से इफ़ेक्ट हमें देते हैं। तो आप चाहो तो इस तरह से भी यूज़ में ले सकते हो। थोड़ा सा और नीचे आ जाए, लाइन ऑप्शन में हमें मिलता है स्ट्रोक की वेट को कम या ज़्यादा आप कर सकते हो, ठीक है। अभी 3 पिक्सल है, आप चाहो तो स्ट्रोक की वेट को और ज़्यादा बढ़ा देंगे तो कुछ इस तरह से मिलेगा, ठीक है। इतना भी ज़्यादा मत कीजिए, इतना कम भी मत कीजिए, और इतना ज़्यादा भी मत कीजिए, इतना कीजिए कि इफ़ेक्ट अच्छा लगता हो, ठीक है, कुछ इस तरह से, ठीक। ऑलराइट, सो थोड़ा सा और नीचे आ जाए, कर्विनस में आप इसके स्लाइडर को अगर थोड़ा सा लेफ़्ट की तरफ बढ़ाएंगे तो ये क्या होगा कि इसके जो एजिस हैं, यहाँ देखिए, यहाँ कर्व आ गए, ठीक है, और इसको लेफ़्ट की तरफ ले जाएंगे तो ये शार्प हो जाते हैं, कुछ इस तरह से। तो देख लीजिए आपको कहाँ कैसे यूज़ में लेना है। थोड़ा सा और नीचे आ जाए तो वेरिएशन इसमें भी है, इसमें भी आप वेरिएशन को ला सकते हो, कुछ इस तरह से, ठीक है। उसमें गैपिंग आ जाएगी जगह जगह में, यानी कि एक रैंडमाइज गैपिंग आएगी इस तरह से, राइट। इस तरह से नहीं चाहते हो तो इसको ऐसे भी रख सकते हो, ठीक है, वो आपकी मर्जी पे है, राइट। थोड़ा सा बढ़ा रहा हूँ मैं, थोड़ा सा और नीचे आ जाए, स्पेसिंग ला सकते हो। अच्छा, इक्वली सब में स्पेसिंग एक बराबर आ जाएगा, जो भी आप यहाँ पे वैल्यू दोगे, कुछ इस तरह से, या फिर कुछ इस तरह से, या फिर कुछ इस तरह से भी, राइट। तो थोड़ा कम मैं कर रहा हूँ,
ताकि अच्छा भी लगे, ठीक है, इतना बुरा भी ना लगे, राइट, कुछ इस तरह से। इसका भी एक वेरिएशन का आपको स्लाइडर मिल जाता है, यहाँ पे भी आप वेरिएशन ला सकती हो, कुछ ऐसे या फिर कुछ ऐसे या फिर कुछ इस तरह से, जैसे आप रखना चाहो रख सकती हो, ठीक है। मैं कुछ इस तरह से कर रहा हूँ। ऑलराइट, सो अब मैं क्या करूँगा कि इसको मैं ओके कर दूँगा। ऑलराइट, तो अब इस इफ़ेक्ट को कहाँ कहाँ हम यूज़ में ले सकते हैं, देखिए इस इफ़ेक्ट को कई जगह, कई वेरीज ऐसी जगह हैं जहाँ पे आप इसको यूज़ में ले सकते हो, जैसे सोशल मीडिया के बैनर में यूज़ में ले सकते हो, या आप टी शर्ट डिज़ाइन करते हो तो उसमें भी बहुत यूज़ में लिया जाता है इस इफ़ेक्ट को, राइट। देखिए अगर मैं यहाँ से टेक्स्ट लूँ और टेक्स्ट को मैं टाइप करता हूँ, टेक्स्ट, एक टेक्स्ट ही मैंने सिंपल सा टाइप किया, थोड़ा सा मैं बड़ा कर लूँ ताकि आपको दिखाई दे, और इसके फॉन्ट को मैं चेंज कर दूंगा, कंट्रोल टी पे प्रेस कर रहा हूँ, कैरेक्टर का पैनल ला रहा हूँ, और इसमें मैं इसका फॉन्ट रोबोटो बोल्ड ले रहा हूँ, ठीक है जी, कुछ इस तरह से, और इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर रहा हूँ कुछ इस तरह से, सेंटर में रख रहा हूँ, राइट। ऑलराइट, सो अब मैं क्या कर रहा हूँ कि इसको सेलेक्ट करके मैं चाहता हूँ कोई कलर ले लूँ, ठीक है, ये ब्लैक में है, ब्लैक में नहीं रखना चाहता हूँ, कोई और कलर ले लेते हैं, चलिए यहाँ से ये ले लेंगे, या एक काम और करते हैं, ये जो पर्पल है मैं इसका कलर चेंज कर दूँ पहले, या डबल क्लिक एंड इसको मैं इस तरह से ऑरेंज या वट एवर जो आपको ठीक लगता हो वो ले सकते हो, मैं इस तरह का एक मस्टर्ड कलर कर रहा हूँ, ठीक है, और इस टेक्स्ट को अब सेलेक्ट करके इसका कलर मैं पर्पल या वट एवर जो आपको ठीक लगता हो वो ले सकते हो, मैं थोड़ा सा इसको इस तरह के कर रहा हूँ, ठीक है, और ओके, राइट। अब क्या करेंगे, इसको राइट क्लिक करके मैं क्रिएट आउटलाइन कर रहा हूँ, ये अब पाथ में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, अब ये टेक्स्ट नहीं रहा, सेलेक्ट करेंगे ऑब्जेक्ट में जाकर पाथ और ऑफसेट पाथ को ले लेंगे, ठीक है जी, प्रीव्यू को ऑन करेंगे, ऑफसेट को 8 पिक्सल ही रखेंगे और ओके कर देंगे, शिफ्ट की प्रेस करते हुए इस येलो को भी सेलेक्ट करेंगे और पाथ फाइंडर के पैनल को चाहो तो ला सकते हो, या फिर 2018 और 19 यूज़ कर रहे हो तो राइट साइड में ये पैनल आ रहा होगा, ये है जी पाथ फाइंडर का पैनल, ठीक है। सेकेंड जो बटन है वो माइनस फ्रंट है, तो मैं माइनस फ्रंट कर रहा हूँ, तो कुछ इस तरह से भी आप इसको यूज़ में ले सकते हो। और एक तरीका देख लेते हैं, चलिए मैं एक काम करता हूँ, इन सबको सेलेक्ट कर रहा हूँ और थोड़ा सा जूम आउट करके इसको मैं साइड में ले जाता हूँ, ठीक है जी। अब यहाँ पे हम कुछ और बनाएंगे। ऑलराइट, तो आप चाहो तो टेक्स्ट पर भी ले सकते हो, मैं टेक्स्ट टाइप कर रहा हूँ यहाँ पे, टेक्स्ट, ठीक है जी, टाइप किया मैंने टेक्स्ट को, थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेंगे कुछ इस तरह से, चाहो तो कोई और फॉन्ट चेंज कर सकते हो, मैं फॉन्ट चेंज कर रहा हूँ हेलवेटिका बोल्ड, ठीक है जी, और सेलेक्ट रखेंगे, उसके बाद चाहो तो आप पहले भी कलर चेंज कर सकते हो, बाद में भी कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है, सेलेक्ट रखा मैंने इफ़ेक्ट एंड स्टाइलिस और स्क्रिबल, ठीक है, कुछ इस तरह से। अब यहाँ से आप चाहो तो चाइल्ड लाइक ये ले सकते हो, या फिर जिगजैग लेना चाहो जिगजैग भी ले सकते हो, या फिर स्वॉश लेना चाहो तो ये भी ले सकते हो, ठीक है, बहुत मज़ेदार से टी शर्ट जब डिज़ाइन करते हो आप तो ऐसे कई मज़ेदार सी चीज़ें हमें करनी पड़ती हैं, लेकिन इसमें सबसे अच्छा मैं आपको बताऊं, अगर आप मोर ले लें तो ये बहुत खूबसूरत लगता है, राइट। ऑलराइट, तो उसके बाद आप चाहो तो यहाँ पे थोड़ी बहुत चेंजिंग इसमें भी कर सकती हो, वेरिएशन को थोड़ा बहुत चेंज करना चाहो तो कर सकते हो, कर्वनेस को कम या ज़्यादा करना चाहो कर सकते हो, स्पेसिंग लाना चाहते हो तो ला सकते हो कुछ इस तरह से, और ज़्यादा करेंगे तो बहुत बुरा सा लग जाएगा, ये इतना मत कीजिए, ठीक है जी, कुछ इस तरह से। ऑलराइट, तो कुछ इस तरह से स्पेसिंग को आप थोड़ा बहुत इधर करेंगे तो आप अलग से इफ़ेक्ट आपको
मिल जाएगा, राइट। उसके बाद वेरिएशन को आप चाहो तो कम ज़्यादा कर सकते हो कुछ इस तरह से, राइट। या फिर यहाँ से कोई और आपको चाहिए जैसे स्क्वेच ये ले सकते हो आप, शार्प ये ले सकते हो आप, ठीक है। मैं इसी में रख रहा हूँ और ओके कर रहा हूँ, ठीक है। ऑलराइट, सो कुछ इस तरह से। अब चाहो तो आप इसका कलर चेंज कर सकते हो। मैं एक काम करता हूँ कि यहाँ से कलर चेंज कर रहा हूँ कुछ इस तरह का, एक सियान ये ले रहा हूँ कलर, ठीक है। ऑलराइट, तो आप चाहो तो एक बैकग्राउंड आप क्रिएट कर सकते हो इसमें, इसमें और भी आपको खूबसूरत सा लगेगा, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ कि एक बैकग्राउंड इस तरह से ले रहा हूँ, ठीक है। और इस पर भी आप चाहो तो इफ़ेक्ट क्रिएट कर सकते हो स्क्रिबल में जाके, और आप कोई और ले लीजिए, आपसे टाइट ले लीजिए, राइट। सो कुछ इस तरह से भी लूज ले लीजिए, ठीक है, इस तरह से भी ले सकते हो आप, वो आपकी मर्जी है आप कैसा रखना चाहते हो, ठीक है। मैं जिगजैग में रख रहा हूँ या फिर इसको टाइट में ही रखेंगे, ठीक है, ये ज़्यादा खूबसूरत लगता है बैकग्राउंड के ऊपर। ऑलराइट, सो मैं ओके कर रहा हूँ, और इसका कलर आप चाहो तो चेंज कर सकती हूँ। मैं कलर को चेंज कर रहा हूँ, कलर को मैं यहाँ से इस तरह का एक ऑरेंज कर रहा हूँ इस तरह का, ठीक है जी। ऑलराइट, सो अब इसको नीचे ले जाएंगे उस टेक्स्ट के, तो कंट्रोल प्रेस करते हुए लेफ्ट स्क्वायर ब्रैकेट 1 2, दो स्टेप नीचे चला गया, ठीक है जी। सो इस तरह से आप यूज में इसको ले सकते हो। अच्छा, एक काम और कर सकते हो, इस इफेक्ट के बाद भी आप चाहो तो इसको, ये वाले को, ठीक है, इसको हम इसके टेक्स्ट को भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। मैं टी प्रेस करके यहाँ क्लिक कर रहा हूँ, देखिए लाइन ब्लिंक कर रहा है, कंट्रोल ए से ऑल सेलेक्ट डिलीट कर रहा हूँ, और चाहो तो कुछ और भी आप टाइप कर सकते हो। मैं स्क्रिबल टाइप कर रहा हूँ इस तरह से, और इसको सेंटर में लेके आ रहा हूँ, ठीक है जी। ऑलराइट, तो चाहो तो आप कलर चेंज कर सकते हो, सेलेक्ट किया मैंने एंड सेलेक्ट और ब्लैक और ओके कुछ इस तरह से। तो थोड़ा सा मैं जूम करके आपको दिखाऊं, इस तरह का इफेक्ट आपको मिल रहा है। सो आई होप कि आज का वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और मेरे चैनल में फर्स्ट टाइम आया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, अपने फ्रेंड के साथ कीजिए शेयर। किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन हो इस वीडियो से रिलेटेड, आप मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अगले Adobe Illustrator के ट्यूटोरियल में एक और नए टॉपिक के साथ फिर से मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।